हाँ भाई, तो मैं चलो पहले थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आप लोगों की जो रिप्लाई है, जो जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आप लोग कर रहे हैं वो मैं देता रहूंगा बीच बीच में। तो पहले तो मैं एक्सेप्ट द ट्रूथ यार, सबसे पहली बात, अगर फिनलैंड की जॉब से तो आपको ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है ना, और आपका आईटी सेक्टर हुआ और मैनेजमेंट के, जैसे मैंने बताए थे कुछ आपके जो पोजीशन है मैनेजमेंट की, तो उसमें आपके क्या है कि मतलब फ्रेंच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज, विदाउट स्विडिश लैंग्वेज यू कैन ईजिली गेट अ जॉब, राइट? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। बट अगर जो अदर जॉब्स है फॉर एग्जाम्पल, उनके लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। सब उनमें भी सब जॉब्स में नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द जॉब्स में फ्रेंच लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको हाईली प्रोफिशिएंट आपको नहीं चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक कमांड आपको फ्रेंच लैंग्वेज पे होनी चाहिए, ठीक है, मैं क्लियर बता दूं आपको। तो भाई अगर आपको जॉब चाहिए तो उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो यार। आप फिनलैंड में आए हो तो आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको फोकस होना चाहिए, साथ 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 में फ्रेंच लैंग्वेज आप सीखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है तो उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता भाई। तो अगर आप ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लोगे और उसको आप बना लोगे, हाँ यार मुझे तो करना ही करना है, तो फिर आपकी जो केयर पाने की जो आपकी जो केयर प्रोबेबिलिटी है यार वो ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, आप समझ रहे हो। तो जो लोग ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं यार वो लोग जॉब पाते, आपको ही पता है, आप भी देखते हो ना, ये बात तो सबको पता है ना कि यहाँ पे एटलीस्ट 40% जो फॉरेनर्स हैं वो फिनलैंड में कंट्रीब्यूट करते हैं जॉब्स में, तो उनको जॉब मिलती है ना, तो वो भी सीखते हैं। और आप ये भी देखते होगे कुछ रिफ्यूजीज आते हैं, वो लोग आते हैं, वो लोग कितनी जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। माना कि भाई कुछ लोगों को क्या होता है कि इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स के थ्रू सीख लेते हैं, सब सबको इंटीग्रेशन प्रोग्राम का मौका नहीं मिलता, तो आपको अपने आप सीखना है, लेकिन ट्रुथ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, उससे आप नहीं भाग सकते भाई। ट्रुथ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप इसमें आप बोलते रहो, लड़ते रहो, गाली देते रहो, कंट्री को गाली दो, उसको गाली दो, इसको गाली दो, देते रहो, उससे क्या फर्क पड़ना है। तो अगर आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ भाई ये मुझे सीखना है, चलो मुझे मतलब इतना नहीं कि मैं बिल्कुल C1 लेवल तक सीख लूँ, बट एटलीस्ट मुझे B1 लेवल तक मुझे आना चाहिए, कुछ नहीं चलो A2 लेवल तक ही सीख लो, इतना मुझे आना चाहिए क्योंकि ये मेरी जरूरत है। अगर आपको जरूरत आपकी पता है, आपकी नेसेसिटी आपको पता है, रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, तो आपको ये करना पड़ेगा भाई, इससे आप भाग नहीं सकते, ठीक है, इससे नहीं भाग सकते आप, ये बात समझ लो। फॉर एग्जाम्पल चलो मुझे लगा कि भाई मुझे फ्रेंच लैंग्वेज जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं वासा रीजन में हूँ, ऑस्ट्रोबोथनिया रीजन में हूँ, और मुझे स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्वीडिश जो मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं स्वीडिश सीख रहा हूँ, भले ही मेरी वो जॉब की रिक्वायरमेंट, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट पता है कि भाई हाँ चलो यार अगर मुझे कन्वर्सेशन करना है मुझे लोकल लोगों से तो मुझे सीखनी है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट्स पता है तो आपको करना है यार। तो इसमें अगर आप ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप कभी नहीं सीख पाओ, कभी नहीं सीखोगे, और बस गाली देते रहोगे, कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझको यहाँ ये करवा दे, वहाँ वो करवा दे, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है केवल और कुछ नहीं होगा। तो उसको एक्सेप्ट करो आप, ठीक है, प्लीज़। और मैं सब जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला ना कि हर जॉब्स में जरूरत नहीं है फ्रेंच लैंग्वेज की, हो सकता है कि आपकी फील्ड में भी वो जॉब्स हो आपको विदाउट फ्रेंच लैंग्वेज ही मिल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना, वो भी हो सकता है, लेकिन लेकिन आपको पता है कि अगर आपकी आपकी फील्ड में जो जॉब है आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है भाई, तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। इसमें आप कोई वो नहीं हो सकता कि इफ़ एंड बट वाला कोई काम नहीं है भाई, कि इफ़ एंड बट वाला आप कोई काम कर लो तो वो आपका नहीं हो पाएगा इसमें, ये तो आपको पता है, ठीक है। स्वीडिश लैंग्वेज कंपेरेटिवली इजी है फिनिश से, हाँ भाई स्वीडिश लैंग्वेज बहुत आसान है, स्वीडिश मोर क्लोजर टू फिनिश है, सॉरी इंग्लिश है, तो बहुत आसान है फिनिश से सीखना, ठीक है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट आपकी लैंग्वेज की मैं बोलूँ सिटीजनशिप के लिए है, तो स्वीडिश फार बेटर है फिनिश के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ईजिली स्वीडिश लैंग्वेज सीख सकते हैं फिनिश लैंग्वेज के कंपेयर में। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। जॉब में आप थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत भी फिनिश सीख लोगे आपकी जॉब में आसानी हो जाएगी, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए आपको थोड़ा फिनिश लैंग्वेज में टफ पड़ता है, लेकिन स्वीडिश लैंग्वेज बहुत आसान है, मतलब इन कंपेरिजन टू फिनिश लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई हाँ, तो ये बात आप क्लियर, सब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात आप लोग गांठ बांध दो यार, कि इसमें कुछ भी और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आपकी रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनमें लैंग्वेज चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगा यार, उसमें तो कोई और कोई दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है आपकी। आई एम इन वर्क परमिट, कैन आई रिजाइन फ्रॉम जॉब एंड स्टडी? बिल्कुल भाई, पहले स्टडी में एडमिशन ले लो भाई, तब जो मेरे ख्याल से रिजाइन करना, लेकिन ध्यान रखना अगर आपने वर्क परमिट पे वर्क से रिजाइन कर दिया तो स्टडी आप करोगे तो आपके पैसे लगेंगे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप वर्क परमिट पे नहीं हो, फिर आप टोटली स्विच हो रहे हो। ड्यूरिंग द वर्क
ड्यूरिंग द वर्क आप स्टडी करते हो तो वो फ्री है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्क परमिट पे हूँ, मान लो मैं सिटीजन नहीं हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल वर्क परमिट पे हूँ, और अगर मैं क्या कहते हैं मैं स्टडी करता हूँ तो फ्री है, ठीक है. लेकिन आपका केस चूंकि आप कंप्लीटली स्विच हो जाओगे, आप स्टडी पे चले जाओगे, तो प्रॉब्लम है. ठीक है भाई, वेयर यू आर इन फिनलैंड, यार ये तो आपको देखना चाहिए. मेरा यूट्यूब चैनल देखो आप, देसी टीचर यूरोप, ठीक है. यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल देसी टीचर यूरोप एंड देन यू कैन सी लाइक वॉच माई दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो. When you just open the, maybe just click on the This Teacher in Europe, the YouTube channel, you can search on the Google and then first video when it appears. So, I already gave my introduction, so you can find. But I live in Vasa. Vasa, it is more closer to Sweden. Vasa, एक क्या कहते हैं, Sun City बोलते हैं Finland की, पर Sun तो मुझे दिखता नहीं है कभी. Sun City बोलते हैं यहाँ पे. Vasa, industrial city है, जो Wärtsilä हुआ, ये हुआ, बड़ी-बड़ी companies, इनके head office भी है, पर बहुत छोटी city है Vasa. और स्वीडन के पास में है. आई एम ऑलरेडी स्टडींग एट LUT यूनिवर्सिटी इन सेकेंड ईयर. आई एम इन ओके भाई, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड. चलो भाई और बताओ भाई, आप लोगों को क्वेश्चन हो अगर पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हो. सर मैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया 3 अक्टूबर को, अभी वेट कर रहा हूँ TRC कार्ड का. चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं. तो इट टेक्स टाइम, लाइक इट डिपेंड्स लाइक ऑन डिफरेंट, लाइक फॉर एग्जाम्पल टर्म्स एंड कंडीशन. आई डोंट नो. If you are applying for example, like for a specialist visa, a specialist permit, so maybe you might get in like 2 weeks or maybe 1 week. ठीक है, अगर आप स्पेशलिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, हाईली स्किल्ड उसके लिए, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाता है. कुछ केसेस में अगर आपका थोड़ा टाइम भी लग सकता है भाई. गैप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक बनाया था वीडियो, गैप कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका गैप है, चाहे वो स्टडी का गैप हो, चाहे आपको वर्क के बीच में गैप हो, आप उसको जस्टिफाई कीजिए. आपका कोई गैप है, आपने जो भी किया उसका डॉक्यूमेंट अटैच लगाइए. ये मत करिए कि खाली बैठे बस बस गैप है. नहीं, आप बोलिए कि मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैंने कोई सर्टिफिकेट लिया, मैंने कोई ट्रेनिंग ली, कुछ भी दिखा दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. उसका फायदा उठाओ, उस गैप का फायदा उठाओ. अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो कुछ एक्सपीरियंस दिखाओ कि मैंने चलो ये पढ़ा, ये ट्रेनिंग किया, वर्क से रिलेटेड कुछ भी किया. और अगर आपने स्टडी में अप्लाई करें तो कुछ मैंने कोर्स किया, ये किया, जो भी किया, सेल्फ स्टडी की, कुछ भी किया, ठीक है ना, ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिया मैंने इस कोर्स का, कुछ भी. तो पर आप दिखाओ, लेकिन गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है भाई. भाई वर्क परमिट से जॉब का, वर्क परमिट जब है, देखो वर्क परमिट यार दो तरह के होते हैं. एक वर्क परमिट होता है कि आपने मतलब अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, फिनलैंड में जॉब के लिए जॉब मिली आपको, आपको वर्क परमिट मिल गया, ठीक है, अप्लाई करोगे तभी तो यहां पे आप आओगे. वर्क परमिट, वर्क परमिट मींस रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क. एक वर्क परमिट क्या होता है कि आप आए, आपकी वाइफ आई साथ में, वाइफ को ओपन वर्क परमिट है, मतलब जॉब तो नहीं है उनके पास लेकिन वो जॉब कर सकते हैं, ठीक है, यही तो है ना, वही तो ओपन वर्क परमिट. तो ओपन वर्क परमिट में मतलब ये नहीं है कि मतलब आप सोचो कि ओपन वर्क परमिट है तो जॉब तुरंत मिल जाएगी, उसमें भी आपको जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी. ये थोड़ी ना है कि भाई आपको पाप के पास ओपन वर्क परमिट है तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई आ जाओ. फायदा जरूर है कि आप फिनलैंड में ऑलरेडी हो, आपको आपके पास क्या कहते हैं आप अलाउड हो फिनलैंड में काम करने के लिए, थोड़ा फायदा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब के लिए तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा भाई. ठीक है भाई, फिनिश लैंग्वेज इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म. मुझे ये नहीं पता आप किस बारे में बात करना चाह रहे हो. अगर आप आपकी जॉब है, अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट फिनिश लैंग्वेज है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिनिश लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी. अगर आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट फिनिश लैंग्वेज नहीं है, अगर आपको सिटीजनशिप के लिए सोच रहे हो और फिनिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए, तो फिर आप स्वीडिश लैंग्वेज सीखो. स्वीडिश बहुत ईजी है, आप इजिली सीख सकते हो बहुत जल्दी, ठीक है ना. स्वीडिश और फिनिश दो लैंग्वेज हैं यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनको आप पास करके आपको सिटीजनशिप मिल सकती है भाई. ठीक है, जिनको नहीं पता बता दूं, स्वीडिश लैंग्वेज, आप ये मत सोचो स्वीडिश केवल स्वीडन की लैंग्वेज है, स्वीडिश और फिनिश दोनों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, ठीक है ना भाई. भाई डायरेक्ट मैसेज मी, आई एम इन टुर्कू, क्या संभाई, मैं किस किस को मैं मैसेज, भाई किस लिए आपको मैसेज करूं मैं. आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं देखूंगा फिर. रिजेक्शन चांस कितने हैं वेल्डर की जॉब के लिए. सर देखो, रिजेक्शन डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट कितनी फुलफिल करते हो. ये कोई
ये कोई वो नहीं होता कि रिजेक्शन किसको, रिजेक्शन कोई जबरदस्ती नहीं होगा। अगर उनको लगेगा कि आप फुलफिल कर रहे हो रिक्वायरमेंट तो भाई ठीक है, आपके चांसेस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके जैसे 50 लोग और अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तो बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, ये डिपेंड करता है। और या फिर ये भी डिपेंड करता है कि कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए पोजिशन ज़्यादा हैं या अप्लाई करने वाले कम है, तो ये भी इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, आज ही आपने यूट्यूब में देखा होगा कि वेयर हाउस जॉब्स के लिए फिनलैंड का, ठीक है ना, आपने देखा भी पब्लिश हुआ है 4:30 बजे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश हुआ, जो वेयर हाउस जॉब्स के लिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करोगे तो डजंट मैटर यार आप कहां से अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं जो इस फील्ड में है। तो ठीक है भाई, और कोई भाई क्वेश्चन? कंपनीज में स्वीडिश बोली जाती है? नहीं भैया, हमारे ये जो कंपनीज होती हैं ये स्वीडिश ऐसा नहीं है। मैं जैसे वाट्सला में, ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो वासा है वो स्वीडिश डोमिनेटिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब 50% से ज़्यादा लोग स्वीडिश हैं यहाँ पे जो बोलते हैं स्वीडिश, स्वीडिश ऑरिजिन की समझो या स्वीडिश जो स्पीकिंग समझो, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो लैंग्वेज है वर्क लैंग्वेज वो इंग्लिश ही है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर आप लोकल कंपनी, छोटी कंपनी की बात करोगे जो लोकल कंपनीज है, तो वहाँ पे कोई भी हो सकती है, फ्रेंच लैंग्वेज भी हो सकती है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल एबीबी हुआ, डेनफोर्स हुआ, ये हुआ, हिटैची हुआ, वाट्सला हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, तो इनमें तो फिर क्या है, जो आपकी जो वर्क लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन सही, सब सही था, पर बीएफएस में इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन में फंस गया था, इसलिए पूछ रहा हूं सर। सब सही था, क्या सही था भाई, आप भेजो भाई मुझे क्या था। तो ठीक है, दो रिजेक्शन फ्रॉम कनाडा स्टडी वीजा, विल इट बी प्रॉब्लम फॉर फिनलैंड स्टडी वीजा? नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप सही से अपना करो, कोई मतलब नहीं है। सर सीवी और कवर लेटर यूरोप किससे बनाए? खुद बनाए भाई, किससे बनवाए क्या? अगर आप सीवी कवर लेटर नहीं बना पाओगे यार, तो फिर कैसे क्या कर पाओगे यहाँ पे फॉरेन कंट्री में? प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ यार। मैंने सीवी और कवर लेटर का एक वीडियो बनाया, पहले वीडियो चेक करो, फिर मैं आप मेरे से रिक्वेस्ट करो, फिर मैं आपको मैसेज करो, तो फिर मैं आपको वर्ड फॉर्मेट बना दूँ, भेज दूंगा, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना, आप खुद ही अपडेट कर सकते हो अपने आप, ठीक है ना, सीवी और कवर लेटर। लेकिन खुद करना है भाई, किसी और के बनाने के बनाने का क्या चक्कर है भाई, ठीक है ना। हाँ भाई, तो ये है। चलो भाई, और आपके कुछ क्वेश्चन? सर आई हैव परमिट बट डोंट हैव जॉब, आई हैव बीन देयर फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 years बट ड्यू टू कंपनी इशू आई क्विट जॉब एंड कम बैक टू इंडिया। ओके ठीक है भाई, तो भाई आप अप्लाई करो भाई, अच्छी जगह अप्लाई करो, कोई नहीं तो अब ये तो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा आप फिनलैंड में अप्लाई करो, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो यार, आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखो, फिनलैंड बाद में मूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फिनलैंड में ही कोई बहुत बड़े लड्डू मिल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, आप ओपन रखो। देखो मैं सही बोलता हूँ, मैं ये किसी को वो नहीं बोलता हूँ, नहीं नहीं फिनलैंड ये बस सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं, आप कहीं भी जहाँ आपको मिले जॉब। देखो अगर आप फॉरेनर हैं और आप अप्लाई करें तो आपके लिए फिनलैंड, जर्मनी, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुएनिया, डजंट मैटर यार कहाँ अप्लाई कर रहे हो, आप तो बाहर ही निकलना है ना, उसके बाद फिर आप कहीं भी मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई एम इन फिनलैंड, अगर मुझे स्वीडन मूव करना, मैं स्वीडन मूव कर सकता हूँ, बिकॉज मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे यार, मेरा यहीं का एक्सपीरियंस सब कुछ यहीं का, इजिली मूव कर सकता हूँ। तो पहला टारगेट आप मूव करो, उसके बाद आप कहीं भी स्विच कर सकते हो किसी भी कंट्री में, ये मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। YouTube यार, YouTube तो वही सबको पता है यार, जिनको नहीं पता आप देसी टीचर यूरोप डालोगे गूगल पे ही तो पता चल जाएगा देसी टीचर यूरोप YouTube चैनल। जो Instagram में नाम है देसी टीचर इन यूरोप, तो YouTube में भी देसी टीचर इन यूरोप ही है, ठीक है। सो देसी टीचर इन यूरोप इज माई YouTube चैनल, सो जस्ट सर्च इन गूगल एंड यू विल फाइंड। ओके भाई, देखो रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम्पल आई केम हियर फिनलैंड विद स्टडी वीजा एंड देन आई कन्वर्टेड टू वर्क परमिट, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम लीगल नोटिस फ्रॉम इमिग्रेशन? देखो भाई, अगर आपको आपने मान लो वर्क मिल गया, वर्क परमिट मिल गया ना वर्क परमिट, अगर आपको फुल टाइम वर्क कर रहे हो, यू केम ऑन स्टूडेंट वीजा एंड इफ यू गॉट अ वर्क राइट, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट राइट, मीन्स रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क। So if you got a residence permit based on work, then there is no problem, nothing else, right? तो क्या problem है उसमें? लेकिन हाँ, ध्यान रखना, if you want to continue study, you have to pay money then. Because आप ये मत सोचो कि मैं study पे आया पहले, फिर काम मिल गया, चूंकि मैं काम कर रहा हूं तो आप मेरी study free हो जाएगी, नहीं, अब वो rule खत्म है, ठीक है।
हेलो 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 हेलो। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लो। पहले जो था कि पहले ये था कि रूल ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी पे आ रहे हो फिनलैंड में, ठीक है, और आपको काम मिल गया, आपको वर्क परमिट मिल गया फिनलैंड का, तो आपने काम करने लगे तो आपकी स्टडी फ्री हो जाती थी। अब रूल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। अब क्या हुआ, जो काम पे आ रहे हैं, जो वर्क परमिट के बेस पे फिनलैंड आ रहे हैं, इफ दे वॉन्ट टू स्टडी देन देयर इज नो फी एट ऑल, राइट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। पर अपोजिट ट्रू नहीं है, ठीक है ना, अपोजिट ट्रू नहीं है कि आप स्टडी पे आए और आपने सोचा अब काम मिल गया है तो आप स्टडी फ्री हो जाएगी, वो नहीं हो, क्योंकि आप जो आपका बेस था फर्स्ट टाइम व्हेन यू मूव टू फिनलैंड बेस्ड ऑन स्टडी, राइट, तो वो हमेशा, आप क्या कहेगा, वो हमेशा लागू रहेगा आपका, ये समझ लो आप, ठीक है ना। एकोमोडेशन भी डिफिकल्ट है फाइंड करना एज ए स्टूडेंट, प्लीज कोई प्लेटफॉर्म जहां फाइंड कर सकते हैं। मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म बताए हैं, प्लीज, ठीक है महरीश, मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म क्या बहुत से जो आपकी वो बताए तरीके आपको कैसे आपको एकोमोडेशन पाना है। और प्लीज ये बात ध्यान रखना कि एकोमोडेशन क्या, आप ये नहीं कि जब फिनलैंड के आने के 10 दिन बचे हैं तब आप एकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, एकोमोडेशन एकोमोडेशन, नो। मैंने पूरा एक बनाया यूट्यूब पे, आप जाना तो लिविंग इन फिनलैंड के नाम से है, तो आप वो जाके बनाओ। और मैंने एक बनाई स्टूडेंट हाउस, स्टूडेंट हाउस में आप तभी आपको मिलेगा जब आप 5 से 6 महीने पहले अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल हेलसिंकी में होस है, राइट, HOAS, वासा में वोस है, उसी तरीके से टेम्परे में, ओलू में, अलग अलग है जो स्टूडेंट हाउसेज हैं, वो सब एक ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। वहां पे आपको 6 महीने पहले अप्लाई करना, स्टूडेंट हाउस बहुत चीप है एज कम्पेयर टू आप अपार्टमेंट में रहो या शेयरिंग हाउस में रहो या कहीं भी रहो, ठीक है, फिनलैंड में। तो कहने का मतलब आपको बहुत पहले अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी आप जो है जो प्राइवेट ओन्ड जो आपके होते हैं जो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स, जो मतलब कुछ कोई सोसाइटीज़ होती है, कुछ प्राइवेट ओनर्स होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि भाई चलो उठा दे बच्चों को, दे दे किराए पे यूनिवर्सिटी के पास में, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो मैंने वीडियो बनाया, तो आप कैसे आपको देखना है प्लेटफॉर्म सब कुछ मैंने बताया है, तो आप फिर वो वीडियो देखो, दो वीडियो देखना, एक है स्टूडेंट हाउस इन फिनलैंड एंड सेकंड है लिविंग इन फिनलैंड। लिविंग इन फिनलैंड में कैसे फिनलैंड में आप घर खरीद सकते हो और कैसे आप रेंट पे ले सकते हो, ठीक है, सबके मैंने बताया आपको, तो प्लीज चेक करो। राजू भाई, मैंने आपको पहचान लिया है, बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया मैंने आपको, अलग से बात करेंगे हम आपसे, बिल्कुल ठीक है। और जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो ना कि प्लीज मैं बात कर लूँ, प्लीज बात करूँ, देखो मैं ऐसा नहीं है यार कि मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ यार इंसान भाई, या ये आप लोग भी जानते हो। मैंने आपसे बोला ना तो मैं किसी 1 रुपया लेता हूँ, ना डॉक्यूमेंट बनाना कुछ, और ना मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ यार कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात इसलिए नहीं कर सकता कि रोज के 1000 मैसेज आते हैं, 1000 लोगों से मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे और भी काम करना पड़ता है। प्लीज इस बात को समझो, आपको है तो आप मैसेज करो, आप बोल रहे मैं बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो लिखो ना यार, तभी मैं फिर बात कर पाऊंगा। प्लीज इस बात को समझो, ठीक है ना, प्लीज आप इस बात को ये मत समझो कि मैं कोई बहुत बड़ा तोप हूं भैया, मैं सिंपल सा इंसान हूं जो ये कोशिश कर रहा हूं कि जो जो चीजें मैंने झेली हैं वो आप लोगों को ना झेलनी पड़े, इसलिए आपको ट्रुथ बताता हूं। मैं कंसल्टेंट तो हूं नहीं कि आपसे पैसे लूटना है तो झूठ झूठ बोलता रहूं, तो जो होगा वो सच बोलूंगा आपसे। सर मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज किया था पर आपने सीन नहीं किया, भाई मैं इसलिए आपको नहीं देख पाया क्योंकि मैंने बोला ना कि रोज के आपको खुद पता होगा कि मेरे कितने मैसेज आते हैं ना, ठीक है ना, कि सारे मैसेज के तो मैं आंसर भी नहीं दे पाता भाई, ठीक है ना। सीवी कवर लेटर कितने लोग मांगते हैं, कितने लोगों को मैं मना के देता हूँ, लेकिन सबको नहीं कर पाता ना एक साथ, तो प्लीज इस बात को समझो आप, ठीक है ना। ऑनेस्ट रहो, किसी कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ खुद कर सकते हो, पैसे बर्बाद मत करना, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने घर के पैसे बर्बाद मत करना, ठीक है, ये मेरा मानना है, ये आप लोग जरा ध्यान रखना। मैंने बहुत से वीडियो बनाए इन्फॉर्मेटिव, आप सब चेक करो, किसी की जरूरत नहीं है आपको। सर बता दो का प्लीज, मनी मनी बता दो, मनी भैया मनी मैन यार मैं कैसे बोलूँ यार, देखो भाई जो मनी की जो बात करेगा उसको ब्लॉक कर सकता हूँ मैं, आपको पता है, आपको लोगों को ही पता है, कोई इतने ले लो, कोई इतने लाख ले लो, इतने लाख ले लो, अरे भैया यार भगवान की दया से मुझे जितना है उतना मेरे लिए बहुत है यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो ये चाह रहा हूँ आप लोग अपने पैसे खर्च ही ना करो और ऐसे ही आपके काम हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हो जाएगी भाई, पैसे ऐसे से कोई काम नहीं होता यार, पैसे लेके कोई बेवकूफ़ बनाना होता है, पैसे लेके क्या होगा भैया, आप कोई भी अप्लाई कर दे, कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपसे पैसे लेके खुद अप्लाई करते हैं, आपके नाम से फेक अकाउंट बनाएंगे, आपको स्टडी के लिए अप्लाई करना स्टडी के लिए कर देंगे, वर्क के लिए अप्लाई कर देंगे। डिप्लोमा कोर्सेज में साफ साफ मना करता हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज के भरोसे मत रहना, डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन बड़े आराम से वैसे ही हो जाता है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना।
आई एम वर्किंग हियर इन फिनलैंड एंड वांट टू डू मास्टर्स एंड पीएचडी, हाउ टू अप्लाई फॉर इट, कोर्सेज विच आर इन इंग्लिश, मास्टर्स और पीएचडी। मोस्टली कोर्सेज आपको इंग्लिश में मिलेंगे मास्टर्स और पीएचडी के लिए। पीएचडी के लिए अगर आपको लेना तो पीएचडी एक तो होता है यूरेक्सिस, एक तो जनरल पीएचडी। जनरल पीएचडी मतलब जो होता है कि कंट्री वाइज पीएचडी होती है, एक होती है मैरी क्यूरी पीएचडी। मैरी क्यूरी पीएचडी में क्या होता है कि 1.5 टाइम्स जो आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलेगी या स्टाइपेंड ज्यादा मिलेगा, या ओवरऑल मैं बोलूं पीएचडी एज ए सैलरीड पर्सन की तरह होती है, राइट, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो वो आपको 1.5 टाइम्स ज्यादा मिलेगा मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप होती है, तो वो सारा आप यूरेक्सिस वेबसाइट, यूरेक्सिस फिनलैंड डालना आप, EURACES फिनलैंड, तो वो खुल जाएगी। यूरेक्सिस आपकी जो वेबसाइट है पूरे यूरोप में जो आपकी जो पीएचडीज है और रिसर्च जॉब्स है इन सबको कवर करती है, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। और रही बात मास्टर्स की, तो मास्टर्स की तो आप किसी नॉर्मल जॉब पोर्टल्स पे भी देख सकते हो, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो। मैं पीएचडी और पोस्ट डॉक्स के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको लेक्चरर रिसर्चर्स की पोजिशन के लिए, तो आपको बेस्ट है वो यूरेक्सिस, नॉट ओनली इन फिनलैंड बट अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी के भी आपको मिल जाएगा भाई। लैंग्वेज को लर्न करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आपसे पहले बता चुका हूँ कि भाई मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, इसमें भी चेक कर सकते हो। और आपको वन टू वन अगर लर्न करना है, फॉर एग्जांपल फिनिश लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, आई टॉकी बता रहा हूँ मैं, आई टॉकी, ठीक है ना, आई टॉकी, तो आई टॉकी आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं लिंक आपको भेज दूंगा, चलो उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, अलग से, लेकिन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर भी मैं छोटा सा रील बना दूंगा आपको। My wife is dependent visa without a job. Her visa is about to end. She has no job but is tracking unemployment for a new visa. Can I show the fund? हर होम, देखो भाई होम बैंक अकाउंट से फंड शो करना, मैंने यही तो बोला था, अगर आप यहां से शो कर पाओ तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आपने फर्स्ट टाइम जब शो किया होगा, जब आई होगी वाइफ आपकी डिपेंडेंट पे, तो वहीं का शो किया, वहां का चल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि यूरो में कन्वर्ट करके दिखाना आपको, तो जो बैंक है ना, बैंक से ऑथराइज लेटर ले लेना कि दिस इज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूरो। जिस बैंक का आप दिखा रहे हो, इंडियन बैंक का दिखा रहे हो, पाकिस्तान किसी बैंक का, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूरो भी आप दिखा देना कि ये है आपका, ठीक है, तो चल जाएगा। लेकिन बेस्ट केस तो वही होता कि यहां के आप उसमें दिखा पाओ तो बेस्ट होता है भाई, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी आपके क्वेश्चन है आप लोग मुझे भेज देना, तो मैं यार रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब वैसे तो ये कवर है चूंकि टेरेस, लेकिन फिर भी अब थोड़ा ठंड बढ़ रही है यार, ठीक है ना, यहाँ पे तो मुझे अंदर जाना होगा भाई। तो अब मैं रखता हूँ, और लास्ट में यही बोलता हूँ भाई, ऑनेस्ट रहिएगा, जब किसी की हेल्प अगर मौका मिले जरूर करिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो बस लास्ट में यही विशेष, आप सबकी विशेष पूरी हो, और कोई अगर ये जब वीडियो पब्लिश हो जाएगा आप मुझे मैसेज करना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा इस वीडियो के जो जितने भी मैसेज आएंगे।